नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझ जा रहे हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से किसी प्रोसेस प्लांट में प्रोसेस को ऑटोमेटिक चलाया जाता है, ऑटोमेटिक रन किया जाता है, ऑटो में सारे पैरामीटर किस तरीके से सेट होते हैं और किस तरीके से कंट्रोलिंग होती है, इसके बारे में बेसिक क्या क्या कंपोनेंट्स नेसेसरी रहते हैं, उन सभी के बारे में इस ब्लॉक डायग्राम माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रीज में या प्लांट में किसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक रन करने के लिए किस तरीके से रन कराई जाती है, क्या क्या इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स नेसेसरी उसके लिए होते हैं, उनके बारे में बेसिक और भी हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने जा रहे हैं। उसी चलते मैंने यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा एक डायग्राम बनाया है, ब्लॉक डायग्राम, इसके माध्यम से हम समझेंगे, प्लस मैंने कुछ थ्योरीज भी लिखी है उसके माध्यम से आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा कि किसी प्लांट में या इंडस्ट्रीज में जो कोई प्रोसेस होती है उसको ऑटोमेटिक कैसे चलाया जाता है या कैसे रन होती है और क्या क्या पैरामीटर्स या क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है। चलिए समझ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक ईटूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि हम इस चैनल पर जब भी न्यू वीडियो पब्लिस करेंगे उस नोटिफिकेशन आपको लैपटॉप डेस्कटॉप जहाँ भी आप वीडियोज वॉच करते हैं उस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम या ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, इसके माध्यम से समझेंगे कोई प्रोसेस रन हो रही है यहाँ पे, ये प्रोसेस में इनपुट जो भी रॉ मटेरियल वो इनपुट यहाँ से होगा, पूरी प्रोसेस कंट्रोल यहाँ पे हो रही है और आउटपुट हमको यहाँ मिल रहा है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे की जाएगी, इस प्रोसेस को इस ब्लॉक डायग्राम माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके चलते पहले सबसे पहले इसकी थ्योरी हम समझ लेते हैं, फिर हम आपको ब्लॉक डायग्राम माध्यम से समझाएंगे उस थ्योरी को। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ सिस्टम्स लाइक कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रोल सिस्टम्स सच एज स्काडा सुपरवाइजरी जो है कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स DCS एंड PLC। यूं कहें कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्काडा PLC एंड DCS। क्लियर ये। इसके बाद इसमें थोड़ा सा लिखा है, दे आर यूज टू प्रोवाइड ऑटोमेटेड और पार्शली ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, केमिकल प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम या आपका मैन्युफैक्चरिंग जो भी यूनिट्स रहती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहते हैं, उन सभी में अधिकतर आज के समय में ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है प्रोसेस को ऑटो में रन करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है ऑटो में रन करने के लिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैन पावर की कम रिक्वायरमेंट रहती है हमको अलग अलग प्रोसेस को रन कराने के लिए, और दूसरी बात की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है प्लांट की, और मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ेगी, वही ह्यूमन पावर की मैन पावर जरूरत कम पड़ेगी, मेंटेनेंस कम रहेगा, लो मेंटेनेंस रहेगा और जो हमारा प्लांट है सिस्टम है वह स्टेबिलिटी के द्वारा या स्टेबल फॉर्म में लॉन्ग टर्म तक हमको आउटपुट देता रहता है या चलता रहता है। ठीक है, इस कारण से मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आ जाती है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम में सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसके बाद प्रोसेस आपको कंटिन्यू चलती रहती है, बाकी की कैलिब्रेशन टेस्टिंग और छोटी मोटी फॉल्ट आते हैं, ट्रिपिंग आती है, उनको वहाँ पे जो जनरल टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स रहते हैं वो उसको देखते रहते हैं। तो ये हो गया, अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं प्रोसेस को ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से। देखें यहाँ पर क्या है, कंट्रोल्ड प्रोसेस, कंट्रोल्ड लिखा है, कंट्रोल नहीं कंट्रोल्ड है, मतलब कि कंप्लीटली कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें से प्रोसेस आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है हमको और प्रोसेस इनपुट हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब ये तो हमने रॉ मटेरियल दिए, मान लीजिए कोई भी आपका प्लांट है इंडस्ट्री है उसमें आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल तो आपको लाना ही पड़ेगा, रॉ मटेरियल दे दी हमने, फिर उसकी कैपेसिटी रहती है कि आपको पर डे या 24 आवर या एनुअली या वीकली कितना प्रोडक्शन चाहिए या कितना उसकी कैपेसिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग इनपुट हमको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा और आउटपुट हमको प्रोसेस कंप्लीट होकर जो भी आपको फाइनल प्रोडक्ट है वह मिल जाएगा। लेकिन उसके वो उस प्रोसेस को कंट्रोल्ड में चलाने के लिए, ऑटोमेटिक रन करने के लिए हमको अदर इंस्ट्रूमेंटेशन, इक्विपमेंट, मशीनरी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो क्या रहती है हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्या समझेंगे, जैसे ऑटोमेटिक कंट्रोलर की बात की है, जो सबसे पहले थे कंट्रोलर रहेगा जो कि इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल करेगा तो कैसे करेगा, अपने आप तो करेगा नहीं वो, उसके लिए सेंसर चाहिए आपको, प्लस सिग्नल्स जो सेंस करेगा उसको मॉडिफाई करके भेजने के लिए एक्चुएटर्स चाहिए। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर या दो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट या दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, एक तो रहेगा सेंसर्स और दूसरा रहेगा एक्चुएटर्स।
बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, जो प्रोसेस हो रही है, मान ली सेट पैरामीटर हमने दे दिया कि भाई हमारे इतना परसेंटेज प्रोडक्शन हमको मिलना चाहिए या इस टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसको सेंसर सेंस करेगा और सेंस करके कंट्रोल दे देगा। कंट्रोलर क्या करेगा भाई, उसमें हमने ऑलरेडी सेट पॉइंट दे दिया है, उसको बता दिया कि भाई हम तुमको ऐसे ऐसे करना है, यदि उसके अकॉर्डिंग वह प्रोसेस नहीं हो रही है तो फिर यहाँ से एक सिग्नल निकालेगा जिसको बोलेंगे कंट्रोल सिग्नल, और यह सिग्नल जाएगा एक्चुएटर को। एक्चुएटर उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो सिग्नल जनरेट करेगा और प्रोसेस को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी पैरामीटर में सेट चेंजेस करना है वो करेगा। तो सेंसर्स एंड एक्चुएटर, तो इनको मैं डिटेल अभी बताने वाला हूँ, आपको समरी बता देता हूँ। अब इसके अलावा भी भाई सेंसर्स और एक्चुएटर्स का रोल तो कंट्रोल ले, कंट्रोल को बताएगा कौन, कौन बताएगा कि कितना परसेंटेज प्रोडक्शन चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्शन आपको करना है, कैसी प्रोसेस करना है। तो उसके लिए यहाँ पर रहेगी HMI। HMI का फुल फॉर्म रहेगा ह्यूमन मशीन्स इंटरफेस। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मतलब हम लोग उसको कमांड देंगे, वो देंगे हम HMI यूनिट के द्वारा। यहां से हम उसको सेट करेंगे जो कि रहेगा सेट पॉइंट या कंट्रोल एल्गोरिथम, यहां पे रहेंगे। कहने का मतलब एक प्रकार प्रोग्रामिंग कर देंगे हम, कि कमांड देंगे भाई यहां से ऐसा आपको करना है, यहां से हम कमांड दे दी तो कंट्रोल बोलेगा ठीक है मैं करूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि उसमें कुछ फॉल्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, या आप यूं बोलें कि और अदर, जैसे ये है रिमोट डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस, रिमोट पे ले लिया, मान लो ऑटो में नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम रिमोट पे ले लेंगे इसको और इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। या इसका मान लीजिए कि हमने जो प्रोसेस दे दी सब कुछ हमको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर रिमोट डायग्नोस्टिक मेंटेनेंस सेंटर या यहाँ से लेके इसको कमांड देंगे और उसको फिर मॉडिफाई करेंगे। ये पूरा ब्लॉक हम समझ गए। तो क्या हुआ, इनपुट प्रोसेस दी, कंट्रोल हुई, यहाँ पे फाइनल कंट्रोल, इसमें सारे इक्विपमेंट काम कर रहे हैं आपके, प्लस आउटपुट प्रोसेस मिल गई। उसके साथ साथ क्या हुआ, आउटपुट से हमने एक फीडबैक के रूप में सेंसर से ले लिया। अब सेंसर यहाँ पे क्या होंगे, फीडबैक के रूप में आपका देखा जाए तो मान लीजिए कि कोई प्रोसेस चल रही है, जनरली इंडस्ट्री में चार पांच पैरामीटर आपके मेन रहते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो लेवल एंड आपका, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वाइब्रेशन से आता है, जनरली लेवल, फ्लो एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सब मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी या पैरामीटर्स रहते हैं जिनको हम सेंस कराए जाते हैं। तो प्रेशर सेंस कराना है तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर रहेगा, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर रहेगा, RTD, थर्मोकपल, थर्मोस्टेट कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर के लिए, फ्लो के लिए फ्लोमीटर हो सकते हैं आपके, लेवल के लिए लेवल मीटर हो सकते हैं, वो सारे सेंस करेंगे। और सेंस करके क्या करेंगे कि यहाँ पे सेंसर्स में क्या रहेंगे, ट्रांसमीटर्स रहेंगे आपके। ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, 420 mA सिग्नल जनरेट करते हैं, इंडस्ट्री में 24 वोल्ट DC और 420 mA जो सिग्नल रहता है वो जनरली यूज़ किया जाता है। 4 mA मतलब मानते हैं वहाँ पे 0 सिग्नल, और 20 mA मानते हैं मतलब 100% सिग्नल। तो 420 mA सिग्नल यहाँ पे आता है, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो फ्लो हो, चाहे वो लेवल हो, चाहे आपका कोई भी एनी अदर फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल क्वांटिटी हो, वो 420 mA सिग्नल में ही आती है कंट्रोलर के लिए। क्योंकि कंट्रोलर जो है 420 mA इलेक्ट्रिक सिग्नल को समझता है, 420 mA के अकॉर्डिंग इसमें क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो कंट्रोल आ गया, ठीक है, रिमोट से तो कर ही लिया आपने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सेंसर द्वारा सिग्नल आया वो मेजर्ड वेरिएबल आया, जो कि फाइनली मेजर्ड करके इसने दे दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सेट पॉइंट दे दिया HMI यूनिट के द्वारा, HMI सेट पॉइंट दे दी भाई, कि मान लीजिए कोई प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमको प्रोसेस भाई 50% का हमको आउटपुट प्रोडक्शन चाहिए, ना ही 51 चाहिए ना ही 41 चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। वो हम कमांड कहाँ से देंगे, सेट पॉइंट 50% का हमको दे दिया हमने, क्लियर, सेट पॉइंट दिया, कंट्रोल गया, कंट्रोल से नहीं एक्चुअली से बोला 50% प्रोसेस प्लांट चलाना है, 50% प्रोडक्शन देना है, ठीक है, इसने दे दिया, 50% चल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अब मान लीजिए इन केस कि ये यहाँ से 50% दिया गया, 45% आपको प्रोडक्शन मिला, तो क्या हुआ, 5% का डिफरेंस आया, तो यह 5% सेंसर्स के द्वारा सेंस होगा। अब वही सेंसर्स आपके प्रेशर हो सकता है, लेवल हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, आउटपुट जो भी सेंस हो सकता है वो सेंसर सेंस करेंगे, प्लस ट्रांसड्यूसर रहेंगे यहाँ पे, ट्रांसमीटर रहेंगे, कई सारे इंस्ट्रूमेंटेशन रहेंगे, वो कई सारा कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सेंसर्स, सेंसर्स आया। तो कहने का मतलब हम ये मान चलते हैं कि यहाँ पे 5% हमें कम आउटपुट मिल रहा है प्रोडक्शन में, तो यह 5% यहाँ पे आया, मेजर्ड कितना आ गया, 45। इसको हम बोलते हैं पीबी, पीबी यानी कि प्रोसेस वैल्यू, या इसको बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू। प्रोसेस वैल्यू 45% आई, कंट्रोलर से बोल लगा भाई तुमको कुछ भी हो जाए 50% पे प्लांट चलाना है, 50% प्रोडक्शन देना है, उसने बोला ठीक है, तो 45 आई, 50% दे रहा, तो डिफरेंस कितना आया, 50 माइनस 45 यानी कि 5% का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बोलेगा एरर सिग्नल आ गया। अब इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोलर क्या बोला गया, भाई प्रोसेस को और फास्ट करो,
45 है, इसको 40 को ले जाओ, तो यहाँ से फिर एक सिग्नल निकलेगा जो कि एक एरर सिग्नल बोलते हैं इसको, एरर सिग्नल जो कि है 5% का। अब 5% है, ऐसा नहीं कि 5% क्या है, 5% आपका 420 मिली एम्स के सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ सिग्नल जाता है और एक्चुएटर सिग्नल को जाएगा। एक्चुएटर क्या रहता है, एक्चुएटर से रहता है आपका कंट्रोल वाल्व। ये कंट्रोलर वाल्व क्या रहते हैं, डायफ्राम रहता है, कंट्रोल वाल्व रहते हैं, इसके ऊपर एक्चुएटर लगा रहता है, और न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, कई सारे, लंबी कहानी है एक्चुएटर के अंदर भी, कंट्रोलर के अंदर। लेकिन आप ये समझो कि 5% सिग्नल आया तो एक्चुएटर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्चुएट होगा और 5% मैक्स अधिक सिग्नल देगा इस प्रोसेस को, भाई प्रोसेस बढ़ा देगा। तो प्रोसेस आपकी बढ़ेगी, 45 से 46, 47, 48, 49, 50% जाएगी और वह सिग्नल फीडबैक के रूप में यहाँ पे आता रहेगा। यह कब तक बढ़ाएगा प्रोसेस को, जब तक कि 50% सेट ना हो जाए। अब चूंकि ये तो बढ़ा रहा है, ये 50% जैसे होगा 51, 52, 53 बढ़ेगा। तो मान लीजिए इन केस ये यहाँ से 51 या 52 हो गया, चलो 52% हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, सिग्नल प्रोसेस बढ़ गई। तो ये भी इसको सेंसर सेंस कर रहा है, मेजर्ड कर रहा है, प्रोसेस वैल्यू आई 52, सेट पॉइंट दे दिया 50, तो 2% फिर प्रोसेस बढ़ गई। तो फिर कंट्रोलर क्या होगा, परेशान होगा। परेशान मीन्स मैं एक सिंपल लैंग्वेज बताने जा रहा हूँ, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पूरा PLC है। ये सेंस करेगा भाई 2% का मैक्स प्रोडक्शन हो रहा है या 2% का एरर आ रहा है, इसको एलिमिनेट किया जाए। तो एलिमिनेट किया जाए 2% के लिए, फिर एक कंट्रोल सिग्नल निकलेगा 420 मिली एम्स, इंडस्ट्री में सिग्नल निकलता है। तो 420 मिली एम्स सिग्नल आया जो कि एरर सिग्नल कहला जाएगा 2% का, कि भाई प्रोसेस 2% डाउन करो। तो एक्चुएटर फिर एक्चुएट होगा और कंट्रोल वाल्व को क्लोज करेगा, कंट्रोल वाल्व क्लोज करेगा, निश्चित ही आपकी प्रोसेस जो चल रही है, प्लांट चल रहा है, वो आपको स्लो चलेगा, प्लांट का प्रोडक्शन कम होगा। तो 52% से ये वापस आपका कहाँ जाएगा, 50% पे सेट हो जाएगा और आपकी कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर ने यहाँ पे जाके ओनली 50% का बटन दबाया, सेट पॉइंट दे दिया, बाकी पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रहा है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। यदि मान लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता तो यहाँ पे कितने लोग रिक्वायरमेंट रहती, भाई 50% पे देना है, ऐसे इनपुट वाले बोलते भाई ज़्यादा माल डाल, कम माल, रॉ मटेरियल दो, इसमें प्रोसेस को मेंटेन करो। आउटपुट वाले बोलते भाई देख कितना प्रोडक्शन हमको मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो भाई सामने वाले को बता, और सामने वाला कंट्रोल के पास जाएगा, इसको बोलेगा भाई इसको कम करो। कहने का मतलब खिचड़ पिचड़, प्रोडक्शन वेरी कम और प्रोडक्शन कॉस्ट वेरी हाई, कहने का मतलब प्लांट या फैक्ट्री लॉस में। तो उसको बचाने लिए ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है प्रोसेस प्लांट में। ये इतना डीपली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें गहन अध्ययन के साथ साथ प्लस प्रैक्टिकल प्लस हाथ से आंखों से एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है, और इस पूरी प्रोसेस को मैंने जो है कि इसमें 24 आवर रह रहे के भी इसको प्लांट में कैसे ट्रिपिंग आती है, कैसे फॉल्ट आता है, कैसे कंट्रोलिंग होती है, क्या क्या पैरामीटर मेजर करना पड़ता है, ट्रिपिंग आई तो क्या करेंगे, ऑटो में चलाएंगे, मैनुअल में चलाएंगे, कंट्रोल वाल्व क्या होता है, एक्चुएटर क्या होता है, 420 मिली एम्स सिग्नल क्या होते हैं, या आपका I2P क्या होता है, आपका सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये सारे बारे में डिटेल पढ़ाया तो मुझे पता क्या क्या होता। तो आपको इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मैं एक बेसिक ओवरव्यू समरी देना जा रहा हूँ जो कि है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम ICS, इसमें आगे लिख देते हैं इन हिंदी, ठीक है। इन हिंदी में आपको YouTube पे बहुत कम लेक्चर्स मिलेंगे, सभी इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको पता नहीं रहता, थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, उनको इंडस्ट्री के बारे में भी नॉलेज मिले किस तरीके से होता है, तो वो मैंने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको इस वीडियो लेक्चर माध्यम देने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और आपको एक पता लगेगा वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होती है, कैसे रन होता है, ठीक है। और भी आपके अंदर कोई डाउट्स है, कोई क्वारीज है, तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आप डीपली और समझ जाते हैं इसके बारे में और किसी टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डीपली बताने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में स्टॉप करेंगे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है, सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि हम इसमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर पब्लिश करते रहते हैं, और साथ में आपसे बोलेंगे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करेंगे उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए इंटरेस्टिंग एजुकेशन रिलेटेड टाइप और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो वीडियो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक और इसी प्रकार इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।